और ये तो पूरा तो सब गांव गांव ही आ रहा है, गांव ही और प्योर गांव गांव, पता नहीं कहां कहां से हम लोग घूमते घूमते जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव जा रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, यहाँ देखिए शाम हो रही है और त्रिमूर्ति के बाद हम लोग कायावरोहन मंदिर गए कि माता रानी का दर्शन करेंगे। कायावरोहन का भी वीडियो पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, पर वहाँ पे माता रानी जैसे पूछे कहाँ पे मंदिर होता है ना, जैसे लोकल लोगों से पूछते हैं तो वो लोग बोले कि इधर चले जाओ, तो ऐसे करते करते हम लोग आगे निकल आए तो लगा कि काफ़ी दूर है। फिर हम लोग बोले कि चलो पेट्रोल गाड़ी में डलवा लेते हैं, अगर दूर भी हो तो कोई बात नहीं, गाड़ी में पेट्रोल फुल होनी चाहिए तो कहीं भी हम लोग जा सकते हैं। तो वैसे ही जब हम लोग जा रहे थे गूगल से ही देख करके लोगों से पूछ के भी, तो बस गांव 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 ही मिलता जा रहा था। तो इस तरह से हम लोग वहां पे पहुंच गए। तो बोलते हैं कि जहां पे दर्शन करना होता है वहां पे माता जी अपने आप बुला लेती हैं, यानी कि हम लोग सोचे भी नहीं थे और पहुँच गए। और ये देखिए शिव जी का एक मूर्ति दिख रहा होगा, ये बोरसठ गाँव में है और ये गेट है गांव का जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, तो उसका भी वीडियो क्लिप ले ली। और हम लोग पूछते पूछते आखिर पहुंच गए ये रनू में। तो फ्रेंड्स रनू गांव है, यहाँ पे पूछते पूछते और देखिए माता रानी का बुलावा आया तो हम लोग आ ही गए। माता भवानी का ये मंदिर है, तो जब यहाँ पे आए हैं तब याद आया है कि हम लोग पर क्या था ना कि हम लोग पादरा से आए थे इसलिए ये पता नहीं चल रहा था। नहीं 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 आए हैं आप भी, अनीसा पक्का आए हैं, पर क्या था ना कि हम लोग मेन रोड से थोड़ा ही अंदर आए थे और अभी हम लोग उधर से कहाँ कहाँ घूम के आए ना, इस वजह से पता नहीं चल रहा है। अरे सही बोल रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फूल माला और जो सुहाग कची चढ़ाया जाता है ना चुनरी वगैरह, तो वही ले रहे थे। पर देखिए ये मंदिर आ गए हैं, पर मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं फर्स्ट टाइम आए हैं, पर इनको याद नहीं था क्योंकि हम लोग ग्रुप में आए थे। और ये मंदिर का एंट्री गेट है और इस तरह से अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम लोग दर्शन कर लिए। पर बोलते हैं ना कि पता नहीं क्यों जब हम लोग भूल जाते हैं ना तब माता रानी खुद याद दिलाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग नारियल वगैरह चढ़ा के नारियल तोड़े, जब घर जाने लगे तो आरती शुरू हो गई। तो आरती शुरू हुई तो हम लोग आरती में भी हो करके आए, तो बोलते हैं ना कि उनकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग अब घर जाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हो कि रात होने वाली है, और अगर जो बड़ौदा में रहते हैं तो यहाँ ज़रूर दर्शन करें। उसके बाद फिर हम लोग को थोड़ी थोड़ी सी भूख लगी थी तो यहाँ पे मनीषा बिस्किट और ड्राई समोसा लेके आई थी, तो वही हम लोग गाड़ी में बैठे बैठे सोचे चलो थोड़ा खा लेते हैं और पानी पी लेते हैं। और थोड़ा मैं पॉपकॉर्न लेके गई थी तो वो पूरे रास्ता हम लोग पॉपकॉर्न खाते आए और मतलब काफ़ी अच्छा लगा। और देखिएगा वीडियो के एंड में मनीषा रिव्यू दी है, मतलब सब लोग दिए कि कैसा रहा आज का प्रोग्राम, मगर सारे फ्रेंड्स लोगों को हम लोग बहुत मिस किए थे। तो फ्रेंड्स आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल पे जो फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड को शेयर भी करें। तो चलिए अब चलते हैं घर की ओर। घर की ओर तो जा रहे हैं पर रात हो गई तो सोचे चलो बीच में डिनर करते हुए घर पहुँचे क्योंकि काफ़ी थक चुके थे हम लोग, तो आप लोग भी आ जाइए डिनर करने के लिए।
आप लोग का आज का ट्रिप कैसा रहा? तो बढ़िया रहा, दोनों के साथ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, एकदम बिंदास ही रहेगा ना। और बेटू तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लगा, और एंजॉय किया। मैं तो फुल पैसा वसूल, फुल एंजॉय, पैसा वसूल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का खाना पीना हो गया, तो रेस्टोरेंट वाले भैया बोले कि आप गूगल पे रिव्यू दे दो, तो हम लोग बोले कि गूगल पे भी दे देंगे और यूट्यूब पे भी दे देंगे। तो यहाँ पे जो लोग बड़ौदा में हैं जा सकते हैं, सर्विस काफ़ी अच्छी थी और अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। और जो म्यूजिक बज रहा था जो बहुत अच्छा लग रहा था, और यहाँ पार्टी वगैरह भी कर सकते क्योंकि यहाँ पे मेरे हस्बैंड काफ़ी बार आ चुके थे, इसलिए हम लोग वहाँ पे गए। तो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।